अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आज हम जो जिस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करने वाले हैं वो है ज़ीनक का Z6 PV8500। और आज हम इस इन्वर्टर का जूस निकालेंगे, इसको ओवरसाइज करके भी देखेंगे, सिंगल स्ट्रिंग भी देखेंगे और डबल स्ट्रिंग के साथ भी देखेंगे कि हमें ये क्या प्रोडक्शन दे रहा है और हमें क्या जनरेशन मिल रही है और ग्रिड फीडिंग कितनी कर रहा है, जिस तरह मैं बाकी इन्वर्टर्स की करता हूँ। इसको भी हम इसी तरीके से जो है ना वो टेस्ट करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा हम लंबी नहीं करेंगे, इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं और आज इसका जूस निकाल के देखते हैं कि भैया हमें ये इन्वर्टर कौन सा रिजल्ट और कैसा रिजल्ट देने वाला है। आया कि कंपनी जो क्लेम कर रही है कि ये 6.5 किलोवाट है और PV8500 है, वो है भी है कि नहीं है। वो बेसिकली इसके साथ जो सब अटैच किए हुए हैं वो टोटल 10 किलोवाट का सोलर जो सब वो अटैच किया हुआ है। इसे आज ओवर साइज हम करेंगे, 18 पैरेलल्स की पहले स्ट्रिंग देंगे दोनों को पैरल करके, ठीक है, सीरीज प्लस पैरल। फिर देन हम एक सिंगल स्ट्रिंग करके देखेंगे कि इसका एमपीपीटी है वो कितने वाट तक उठाता है और कितनी ग्रिड फिटिंग करता है। तो देने करते हैं, लेट स्टार्ट। ये ज़ीनक का मॉडल है Z6 PV8500। वो जो लास्ट टाइम जो इनका पिछला मॉडल था मार्बल सीरीज़ का PV8500, उसी को अपग्रेड करके इन्होंने Z6 पे कन्वर्ट कर दिया। प्योर बोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड है और डिस्प्ले आपको नज़र आ रही है सामने। और ये ज़ीनक का Z56 जनरेशन PV8500, इसके साथ हमने वाईफाई डोंगल अटैच की हुई है स्मार्ट सोलर की, ताकि मैं आपको वो भी दिखा सकूं और एप्लीकेशन भी आपको नज़र आ रही होगी स्मार्ट सोलर की, उसके ऊपर भी एग्जैक्ट पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। और बैटरी इसके साथ अटैच नहीं की हुई हमने, बैटरी अटैच नहीं है। तो इस टाइम मैंने इसके ऊपर डबल स्ट्रिंग दी हुई है इसको, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये 6000 वाट पूरा उठा रहा है, मतलब 6 किलोवाट की ग्रिड फिटिंग कर सकता है। बाकी इस पर लोड डाला हुआ है आपको उसके ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, एप्लीकेशन पे भी 6 किलोवाट। ये इन्वर्टर एग्जैक्ट 6 किलोवाट 6100 वाट तक ग्रिड फिटिंग मैक्सिमम कर सकता है सोलर से। आपको ऊपर ये भी नज़र आ रहा होगा 16.67 एम्प्स जो है वो सोलर से कहना मैं 18 स्क्रीन पेयर 2.12 तकरीबन लोड है, क्योंकि पहले एसी चल रहा था वो थोड़ा टर्न ऑफ हो गया कूलिंग करके, पंप चल रहा है इसके ऊपर। इस टाइम जो लोड है 2 डेढ़ टन के AC, एक लाल पंप, ओवन बिग साइज और एक इस्त्री, उसके ऊपर लोड टेस्टिंग के लिए फुल डाला था। और आपको नज़र आ रहा होगा इसके फैन ऑटोमेटिकली तेज़ हो गए, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। इसके साथ मैंने बैटरीज अटैच नहीं की हैं, इसको मैं टेस्टिंग के लिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को टेस्टिंग करके दिखा सकूँ कि आया ये है भी कि नहीं है। तो 6.5 किलोवाट का कहा हुआ, 6.5 किलोवाट का तो लोड उठा लेता है ईजिली, 5700 5800 वाट तक तो इसने लोड उठाया है ईजिली विदाउट एनी टेंशन। तो ग्रिड फिटिंग जो सी है वो 6 किलोवाट से ज़्यादा नहीं कर सकता, 6 किलोवाट पे इसकी ब्रेक है, क्योंकि इस समय जैसे मेरी एक स्ट्रिंग है वो 3500 3600 वाट जनरेट कर सकती है ईजिली, तो ये 6 किलोवाट से ऊपर नहीं कर रहा। मैं आपको सिंगल स्ट्रिंग भी करके दिखाऊँगा, आपको नज़र आ रहा है 6 किलोवाट की टोटल एग्जैक्ट जो है ना ग्रेड फीडिंग वो कर रहा है ये Z6 मार्बल PV8500 6.5 किलोवाट। फिर मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। 2.5 किलोवाट का तकरीबन जो सा लोड है वो उस टाइम इसके ऊपर चल रहा है। आपको भी मैं सिंगल स्ट्रिंग भी करके दिखाता हूँ कि सिंगल स्ट्रिंग पर कितनी जनरेशन दे रहा है, क्योंकि आज ज़रा धूप बड़ी कमाल की निकली हुई है, फुल धूप है आज। अभी मैं आपको इसके ऊपर शिफ्ट करता हूँ, ये भी जैसे मैं सिंगल स्ट्रिंग करूँगा, सिंगल स्ट्रिंग कर देंगे हम अभी। ये देखिए मैं सिंगल स्ट्रिंग कर दी और आपके सामने रिजल्ट देखें क्या हो गया। 3500 वाट 9 पैनल्स हैं, जैसे आपको पहले बताया था 9.8 किलोवाट का मेरा सेटअप है, बाईफेशियल पैनल लगे हुए हैं 545 वाट और जनरेशन देखें माशाल्लाह कितनी कमाल की आ रही है, 3600 3700 3500 इसके अंदर जनरेशन जो सी है वो सोलर प्रोडक्शन अपनी दे रहा है आपके सामने है। तो जिस टाइम ग्रिड फीडिंग हो रही है ना, समझो कि इन्वर्टर के ऊपर जो ग्रिड फीडिंग के दरमियान जो लोड होता है ना, उतना आपका घर का लोड नहीं होता जितना आपका ग्रिड फीडिंग जो है इन्वर्टर को जूस निकाल देता है इन्वर्टर की। और आपको हमेशा की तरह पता है मैं इन्वर्टर का जूस निकालता हूँ पहले ओवर साइज फुल करके। अभी मैंने इसको ओवर साइज पैनल दिया हुआ था टोटल, ताकि हमें इसकी ना प्रोडक्शन पता चल सके कि एग्जैक्ट प्रोडक्शन कितने करता है। यानी 10 किलोवाट अब समझे मैं इसको सोलर दिया है, जिसमें जैसे 6 किलोवाट जो है सोलर वो हासिल करके उसकी ग्रिड फिटिंग कर दी है। ये चीज़ क्लियर है कि ये 6 किलोवाट की एग्जैक्ट जो सी है ना वो ग्रिड फिटिंग कर सकता है इन्वर्टर।
आउट क्लास है, टेम्परेचर भी आपके सामने आ रहा होगा, टेम्परेचर भी रीजनेबल है, टेम्परेचर भी इसका हाई ज़्यादा नहीं होता, ओके है, बेहतरीन है। मतलब जिसने नॉर्मल 6 kW या 6.5 kW के अंदर सिलेक्शन करनी है वो इसकी कर सकता है। 3600 वाट जो है वो एग्जैक्ट जो सी जनरेशन है वो 3600 वाट आपके सामने नज़र आ रहा होगा जो सी जनरेशन दे रहा है इस टाइम। यानी मेरे पैनल जो सी एक स्ट्रिंग है वो 3600 वाट दे रही है, 3600 × 3600 आप खुद अंदाजा लगाने की तरह 7 kW को टच कर रहा है। अभी मैंने सिंगल स्ट्रिंग की हुई है, सिंगल स्ट्रिंग के ऊपर आप खुद देख सकते हैं कि इस टाइम कितनी है। आपको स्मार्ट सोलर की जो एप्लीकेशन आ रही होगी उसके ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा, आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ मैं कि कितनी जनरेशन जो सी है वो दे रहा है और टेम्परेचर क्या इसका इस टाइम चल रहा है। अच्छा इन्वर्टर बनाया है ज़ेनिक वालों ने, मार्बल, और जिसने नॉर्मल हाउस लोड है जो है 6 kW के अंदर कोई सिलेक्शन भी करना चाह सकता है तो वो ये इन्वर्टर ले ले, ये उसके लिए आइडियल है। प्राइस रेंज आपको पता वेरी करते रहते हैं वक्त के साथ साथ, तो वो फिक्स हम कर नहीं सकते, ना मैं कह सकता हूँ क्योंकि वो मौके के मुताबिक होता है कभी क्या, क्योंकि हमारे डॉलर की वेरिएशन ही बहुत है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम। बाकी आपके सामने ओवरसाइज भी करके मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या करता है क्या नहीं करता है, और आपके सामने है इस टाइम और इसने रिजल्ट दिया है मुझे। ये देखिए आपके सामने 3700 वाट पे जनरेशन पे चली गई है, अच्छा इन्वर्टर है। बाकी मेरी वीडियो आज यहीं तक थी, बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। या जो भी आपने सवाल वगैरह पूछने हो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03126000466। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नई ट्रबल शूटिंग के साथ, नए इन्वर्टर के साथ। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।